रीडर तय करेंगे औरंगजेब नायक या खलनायक, पाठक तय करेंगे औरंगजेब हीरो या जीरो। आगरा के लेखक अफसर अहमद की किताब औरंगजेब बचपन से सत्ता संघर्ष तक के पहले संस्करण का हुआ विमोचन। 6 संस्करण में ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर औरंगजेब के बारे में कई रोचक जानकारियां मिलेंगी। लगभग 300 वर्ष से विवादों से घिरे बादशाह के जीवन पर आगरा निवासी लेखक व पत्रकार अफसर अहमद, न्यूज़ 18 ग्रुप के सीनियर एडिटर द्वारा लिखी गई किताब के 6 खंडों के पहले संस्करण का विमोचन होटल गोवर्धन में सेंट जॉन्स कॉलेज के इतिहास के पूर्व विभाध्यक्ष डॉक्टर आरसी शर्मा ने किया। मैं औरंगजेब पर काम कर रहा हूँ। औरंगजेब में मैंने 6 वॉल्यूम लिखे हैं, जिसका फर्स्ट वॉल्यूम मैंने आपने अभी देखा, यह उसकी शुरुआती लाइफ का है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए और मेरे ख्याल से सबको जानना चाहिए। आप राजनीति को अगर अलग कर दें तो ये बेहद इंटरेस्टिंग है कि आप ये जानें कि एक बादशाह पर्सनल लाइफ में किस तरह से कोमल दिल का भी हो सकता है, एक लड़की को देखकर बेहोश भी हो सकता है, अपनी उसकी दो हिंदू बीवियाँ भी हो सकती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो सबको चौंकाती है कि किसी को नहीं पता था कि औरंगजेब संस्कृत जानता है, जिसके लिए हमारे इतने आर्गुमेंट हैं। औरंगजेब संस्कृत का प्रकांड विद्वान था। उसने एक बार, ये बड़ा एक रोचक वाक्या मैं ऐड किए देता हूँ, ए बिली मौर्या ने करीबन आज से 125 साल पहले एक ट्रांसलेशन करके पूरा तैयार करके दिया, वो रुकाते आलमगीरी का ट्रांसलेशन है। रुकाते आलमगीरी बेसिकली औरंगजेब के आखिरी समय में जो लेटर उसने अपने बेटों को लिखे उसका एक कलेक्शन है, जिसको बिली मौर्या ने ट्रांसलेट किया। उसी के एक लेटर में वो अपने बेटे ने उसको आम की टोकरी भेजी, और आम की टोकरी भेजने के बाद कहा कि पापा आप इनका नाम रख दो। तो वो रुकाते आलमगिरी में इसका मेंशन किया उन्होंने, तो वो कहते हैं कि बेटा आप तो खुद अकलमंद हो, तो मेरे नाम रखने की क्या ज़रूरत है। तो फिर भी, लेकिन अगर आपने कहा है तो मैं इनका नाम रखता हूँ। तो उसने दो नाम दिए, सुधारस और रसनाबलास, और ये दोनों कोट कर लीजिए, ये दोनों नाम संस्कृत के हैं। ये है कि प्लीज़ खुल के पढ़िए, ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री को अपने अपने विचारों के कपड़े मत पहनाइए। इसमें सिर्फ ये जानिए कि एक आदमी की ज़ाती ज़िंदगी में क्या हो सकता है, उसकी ऑफिशियल लाइफ में क्या हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि हम क्यों रोकते हैं, जैसे ही हम किसी आदमी को कहते हैं विलेन या हम किसी आदमी को हीरो कह देते हैं, दैट मीन्स हम अगले आदमी के पढ़ने के रास्ते बंद कर देते हैं। लेखक अफसर अहमद ने किताब पर प्रकाश डालते हुए कहा कि औरंगजेब का किरदार भारतीय समाज में दशकों से तीखी बहस का विषय बना हुआ है। डॉक्टर आरसी शर्मा ने किताब के लिए शुभकामनाएं दी। वरिष्ठ पत्रकार ब्रज खंडेलवाल ने बताया कि इस किताब में नए तरह का इतिहास लेखन है, जो विभिन्न तथ्यों को एकत्र कर वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है। इससे पहले हिंदी में ऐसी कोई प्रामाणिक पहल नहीं हुई। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रोफेसर श्री भगवान शर्मा, पूर्व विधायक सतीश चंद्र गुप्ता विभव, पद्मिनी अय्यर, सुरेंद्र शर्मा, श्रवण कुमार, राहुल राय, दीपक राजपूत, अमित कोहली, विकास शर्मा, देवदत्त, अनिल शर्मा आदि मौजूद थे।